यमुनानगर में एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला की टीम ने असिस्टेंट लाइनमैन को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लाइनमैन ने शिकायतकर्ता से बिजली कनेक्शन लगाने की एवज में घूस मांगी थी। दरअसल सचिन अपनी मां मीना देवी के नाम से बिजली कनेक्शन लेना चाहता था। सचिन मीटर लगवाने की फाइल को लेकर दफ्तरों में कई चक्कर काटता रहा, लेकिन तब भी बिजली का मीटर नहीं लग पाया, जिसके बाद उसका संपर्क ऋषिपाल से हुआ। सचिन ने इस पूरे मामले में जब ऋषिपाल को मीटर लगवाने के लिए कहा तो ऋषिपाल ने सीधे ही सचिन से 10,000 रुपए की मांग की। हालांकि सचिन इन पैसों को देने में असमर्थ था, लेकिन आरोपी ने ये कहा कि अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो उसका बिजली मीटर नहीं लगेगा, जिसके बाद सचिन ने विजिलेंस से संपर्क किया। विजिलेंस ने जब सभी तथ्यों की जांच की तो उन्होंने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जाल बिछा दिया। लाइनमैन ने ये पैसे लेने के लिए सचिन को गांव हड़तान के पास बुलाया। जैसे ही सचिन ने आरोपी असिस्टेंट लाइनमैन को पैसे दिए, तभी विजिलेंस ने उसे दबोच लिया और हिरासत में ले लिया। शिकायतकर्ता हमारे पास आया था सुबह, जिसने हमें लिखित में कंप्लेंट दी है, भाई हमने नए मीटर का कनेक्शन लेना था और उसकी अवेज में ऋषिपाल असिस्टेंट लाइनमैन हरनोल उसने 15,000 रुपये की डिमांड की है, जिसने 10,000 रुपये आज मांगे हैं और 5,000 रुपये मीटर लगने के बाद मांगे हैं, जो आज 10,000 रुपये लेते हुए रेड हैंडेड हरनोल गांव से ऋषिपाल को गिरफ्तार किया गया। सर कौन से विभाग में तैनात है? ये बिजली विभाग में तैनात। तो कोई और भी साथी था सर साथ में या अकेले थे? अभी पूछताछ जारी है जी, पूछताछ के बाद जैसे भी होगा वो बता दिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार यमुनानगर में विजिलेंस की टीम ने रिश्वतखोरों को पकड़ा है। हालांकि विजिलेंस ने सरकारी कार्यालयों में जगह जगह अपने नंबर अंकित किए हैं, लेकिन ये घूसखोर कर्मचारी बाज नहीं आते। आए दिन लोगों को परेशान करके उनसे पैसे लेने देने का काम करते हैं। फिलहाल आरोपी लाइनमैन को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पंजाब के सीसीटीवी के लिए यमुनानगर से तिलक भारद्वाज की रिपोर्ट।